हबीबगंज बसोदा में दर्दनाक हादसा, 319 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। रात भर चला राहत और बचाव कार्य, शासन ने दिए जांच के आदेश। गंज बसोदा के लाल पठार में से बच्चे को बचाने के प्रयास में शाम को एक बड़ा हादसा हो गया था। लोगों के मुताबिक 35 लोग उस कुएं में गिर गए, जिसमें से 19 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। 15 लोगों को उपचार के लिए भेजा गया है। कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन, SP विनय वर्मा मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग पहुंचकर राहत कार्य का निर्देश दिया। इस घटना की जानकारी मुख्यमंत्री चौहान को लगते ही उन्होंने तत्काल जांच के आदेश दिए। 12 वर्षीय रवि पिता ओमकार अहिरवार पानी भरते वक्त कुएं में गिर गया था। आपको बता दें, कुएं के ऊपर RCC छत्र पूरे कुएं पर बनी हुई थी, केवल एक हिस्सा पानी भरने के लिए छोड़ रखा था, जिससे बच्चा पानी भरते हुए कुएं में गिर गया। उसे बचाने के लिए कहीं लोग कुएं की छत पर चढ़ गए, जिससे छत इतने लोगों का बोझ संभाल नहीं पाई। छत टूटने से कुएं में गिर गए लोग, अभी पता लगाना मुश्किल है कि और कितने लोग अंदर हैं। 3 बचाव कर्मी भी फंस गए थे, जिन्हें मुश्किल से निकाला गया है। मध्य प्रदेश गंज बसोदा से कैमरामैन आनंद चौहान के साथ गणेश सोनी की रिपोर्ट। गन बासा में जो हादसा हुआ वो कैसे हुआ? हमारे गांव का एक बालक है रवि कुमार, उसका 13 वर्ष का है, वो पानी में डूब गया था। उसको बचाने के लिए गांव के लोग गए देखने के लिए कि पानी में डूब रहा बच्चा, तो उसको बचाने के लिए छत पे चढ़े हुए के बॉर्डर पे। जैसे बॉर्डर पे सब 35-40 लोग चढ़े, वो सब बॉर्डर गिर गए नीचे, हुए की और नीचे सब मर गए। अभी 4 व्यक्ति मर गए, बाकी कितने लोग मरने के लिए आपको अभी कितने मरे हैं? अभी 4 व्यक्ति मर चुके हैं, बाकी अभी और अभी जारी है। रात भर से निकालने की कोशिश चल रही है जारी, और जो भी अभी देखते हैं, अभी हादसा हुआ है, आधी का जो चल रही है, आधी बचाव कार्य चल रहा है। हमारे गांव में एक रवि नाम का लड़का था, मैं और वो पानी भरने कुएं में गए, जिससे रवि पानी भरने झुका और वो नीचे गिर गया। तभी मैंने सभी लोगों को इकट्ठा करा रवि को बचाने के लिए, तो सभी लोग आए और कुएं की छत पे चढ़े और वो लोग नीचे गिर गए। फिर यहाँ के अधिकारी कलेक्टर, यहाँ पर बचाव कार्य चालू हुआ। उसके बाद चार लोगों की जिनकी मौत हो गई है उन्हें निकाला, और बाकी 19-20 लोग जो सलामत है उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया।